नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार यादव, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज़। आज पालघर जिले के नालासोपारा प्रांत वार्ड नंबर 71 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रज्ञा कर्माटकर पाटिल जी आए हुए हैं और इन पर पुस्तक वितरण किया जा रहा है। नालासोपारा वार्ड नंबर 71 में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रज्ञा कर्माटकर पाटिल जी आए हुए हैं। आज बच्चों का पुस्तक वितरण समारोह है, चलो इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। मैडम, इसका पुस्तक वितरण का मतलब, इसका मतलब क्या उद्देश्य है आपका? नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर जिला महिला मोर्चा हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी माध्यम से वार्ड नंबर 71 में हमारी जिला की महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य मैडम है विनीता बाबुलनाथ, उनके तरफ से अनेक कार्यक्रम यहाँ पे गए 7 दिनों में आयोजित किए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ, उसी तरह आज यहाँ पे बच्चों के लिए पुस्तक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। मोदी जी को बच्चों से बहुत लगाव है, आपको मालूम है, तो उसी बात को हम लोगों ने टारगेट किया और बच्चों को इस कार्य में हम लोग कैसा आगे ले, उस सोच से हम लोगों ने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कम से कम 50 बच्चों को बुक्स वगैरह वितरण किए गए और उनको शिक्षा के लिए प्रवृत्त किया गया कि आपको शिक्षा लेनी ज़रूरी है, आप आगे आइए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आज आए और उन्होंने बहुत ही खुशी से जो भी डिसीजन लेना है, केंद्र सरकार सक्षम है लोगों को, बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी हार्म न हो ये देखकर ही वो डिसीजन लेंगे। बच्चों के स्कूल स्टार्ट करके बच्चों को स्कूल में भेजना, कोविड सिचुएशन में बच्चों को किसी चीज़ में उनके उनको हार्म हो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम से हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को आज 6 महीने हो गए स्कूल से वो दूर है, तो उनके वो स्कूल का जो माहौल है, वो शिक्षा का जो उनके ज़िंदगी के लिए महत्व है, वो उनको ये 6 महीने में कहीं कम न लगे, वो भूल न जाए कि हम लोग स्कूल से जुड़े हुए, इसलिए छोटा सा प्रयास हम लोगों से किया गया है। तो मैडम, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोविड सिचुएशन में बहुत से अपने देश में जो तरीके से पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ी सतर्कता रखनी ज़रूरी है। हम लोगों को अपने घर परिवार को, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, उस हिसाब से हर किसी को अपने परिवार के बारे में सोच के इस कोविड सिचुएशन में कहीं पे आने जाने के वक्त थोड़ी सी सतर्कता रखनी है, कंटिन्यूस हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है। मैं सभी से विनती करूँगी कि सरकार ने दी हुई इन सभी बातों का आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा कि मैडम, अभी यहाँ पर नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, नगर सेवक का चुनाव आने वाला है, यहाँ पर एक क्षेत्र एक राज्य है, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? राज उनका है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के बीच में एक स्ट्रांग पर्याय उनके सामने आया है। आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी पूरे वसई विरार जिला में इस सेवा सप्ताह में जिस तरीके से लोगों के पास जा रहे, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो लोगों को भी ये एहसास हो रहा है कि हाँ, हमारे लिए एक स्ट्रांग ऑप्शन। अभी रेगुलर हम लोग सिटी बजा रहे थे, सिटी बजा बजा के थक गए, यहाँ पे पानी, रास्ता, बिजली, हर समस्या बढ़ती जा रही है, कहीं कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए अगर हम लोगों को कोई सहायता करने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अभी तो फिलहाल इलेक्शन का माहौल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त इलेक्शन का माहौल शुरू होगा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा नेतृत्व लेके वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आएगी, ये मैं आज आप सभी को बता दे रही हूँ।
तो मैडम, जैसा कि अभी इलेक्शन में से आपका आगे का क्या तैयारी, क्या गठबंधन है आगे या फिर सेल्फ इलेक्शन है? वो करना है, वो हमारे जो वरिष्ठ है वो डिसाइड करेंगे। जो पार्टी का आदेश रहेगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टी जो आदेश देगी वो आदेश हम लोग मान के आगे चलेंगे। जो यहाँ की जनता के लिए फायदे का रहेगा वही आदेश पार्टी देगी, जनता को नुकसान होगा ऐसा आदेश पार्टी से नहीं आएगा। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। संदेश देना चाहते लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाहता है कि अभी कोरोना काल है, थोड़ा जो भी मतलब बोला गया है सैनिटाइजर मास्क वगैरह वो सब अभी भी मतलब अपना अपना ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल जो भी आदेश मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अपना केयर करो। माहौल इस वक्त थोड़ा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, अपना ध्यान देना चाहिए, बस ये बोलना है। यहाँ पर भावी नगर सेविका विनीता बाबूलाल विश्वकर्मा जी हैं। मैडम, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश वही है जो मैडम बोली है, वही संदेश सबको लेकर चलना है। हमको अपना महिला मंडल टीम बनाना है और ये अपना जो चल रहा है लॉकडाउन का है अपना, उसका पालन करते हुए सबके बीच में उठना बैठना सब रहेगा, लेकिन उसका पालन करो, सैनिटाइजर करो, मास्क लगाओ, थोड़ा दूरियां बनाओ, बस अपने अंदर ये रहेगा। और सबको मैं यही संदेश दूंगी। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया है। जन विकास आवाज़ में अमित कुमार यादव।